अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में करीब 8,000 VIP अतिथि रहेंगे। यही वजह है कि आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऊपर ड्रोन से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। 10,000 से अधिक CCTV कैमरे भी इंस्टॉल हुए हैं जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में परिंदा भी पर ना मार सके, इसलिए ड्रोन और CCTV के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। वे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होंगे और इन जवानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले SPG से लेकर आतंक रोधी दस्ते तक के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अचूक सुरक्षा के लिए केंद्र और UP सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने साथ मिलकर 7 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। पहले घेरे में SPG के कमांडो होंगे जिनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार होंगे। दूसरे घेरे में NSG के जवान होंगे। तीसरे घेरे में IPS अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौथे घेरे का जिम्मा CRPF के जवानों पर होगा। पांचवें घेरे में UPATS के कमांडो होंगे जो किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। छठे घेरे में IB और सातवें घेरे में स्थानीय पुलिस के जवानों की फौज खड़ी होगी। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वर्तमान में देश के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वे शामिल होंगे। इसमें नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में देश विदेश की हस्तियां शामिल होने के लिए आ रही है। आमंत्रित अतिथियों के अलावा लाखों की संख्या में आम लोग भी उस दिन अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जो कार्यक्रम का तो हिस्सा नहीं होंगे लेकिन इस खास मौके पर रामनगरी में मौजूद रहेंगे। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।